जियो फाइबर वाईफाई राउटर को कैसे मैनेज करें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो के इस पहले विभाग में आप समझेंगे कि अपने जियो फाइबर वाईफाई राउटर को कैसे मैनेज करें। शुरुआत करने के लिए माई जियो ऐप खोलें और जियो फाइबर चुनें। यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर दर्ज करें। एक नोटिफिकेशन पॉपअप दिखाई देगा जो आपसे एसएमएस देखने और भेजने की अनुमति मांगेगा। आगे बढ़ने के लिए अलाउ पर टैप करें। अब अपने मोबाइल या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर टैप करें। अब आप माई जियो की होम स्क्रीन पर है, फाइबर पर टैप करें। अब माई डिवाइस पर टैप करें जैसा कि फुटर मेन्यू में दिख रहा है। आगे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पर टैप करें। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यहां आप नेटवर्क डिटेल्स जैसे कि सीरियल नंबर, मैक आईडी, फर्मवेयर वर्जन और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। आप अंतिम स्विच्ड ऑन टाइम पर टैप करके पिछले रीबूट की जानकारी भी देख सकते हैं। आपके वाईफाई राउटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसेस यहां दिखाई देंगे। ग्रीन वाईफाई आइकन ये सूचित करता है कि डिवाइस फिलहाल जुड़ा हुआ है। आप जुड़े हुए डिवाइस की आसानी से पहचान कर सकते हैं। आप किसी विशेष डिवाइस का नाम भी बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए तीन डॉट्स पर क्लिक करें। आगे एडिट नेम चुनें और नए निकनेम को दर्ज करें। अंत में सेव नेम पर टैप करें। कृपया ध्यान दें, वास्तविक रूप से अपडेट होने में कुछ समय लग सकता है, 48 घंटों में फिर से प्रयास करें। डिवाइस को ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे करें? आइए अब देखते हैं कि अपने वाईफाई राउटर के माध्यम से किसी भी डिवाइस को इंटरनेट को एक्सेस करने से कैसे रोका जाए। आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक डिवाइसेस पर टैप करें। जिस डिवाइस को ब्लॉक करना चाहते हैं उसे चुनें। अगर आप किसी डिवाइस को अनब्लॉक करना चाहते हैं तो पेयर डिवाइस पर टैप करें और ब्लॉक किए गए डिवाइसेस को देखने के लिए ब्लॉक्ड डिवाइसेस पर टैप करें। सभी ब्लॉक किए गए डिवाइसेस यहां दिखाई देंगे। डिवाइस को अनलॉक करने के लिए पास के अनलॉक आइकन पर टैप करें। एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखाई देगा। कंफर्म करने के लिए अनब्लॉक डिवाइस पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जिस डिवाइस को अनब्लॉक करना चाहते थे वो हो गया है। वाईफाई सेटिंग्स, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आप अपने वाईफाई का नाम, पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं और विभिन्न सुरक्षा नीतियों और कार्यों के साथ अपने फाइबर होम गेटवे पर कई वाईफाई नेटवर्क या एसएसआईडी कैसे सेट कर सकते हैं। आपके जियो वाईफाई राउटर 2 पर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 2.5 गीगाहर्ट्ज के साथ 4 एसएसआईडी या वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध है। आप एक को व्यक्तिगत और दूसरे को गेस्ट आईडी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एसएसआईडी के सामने हरा वाईफाई आइकन सूचित करता है कि विशेष वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध है और डिवाइस इससे कनेक्ट हो सकते हैं। वाईफाई आईडी को मैनेज करने के लिए विशेष वाईफाई आईडी पर टैप करें। टॉगल बटन वाईफाई आईडी को एनेबल या डिसेबल कर देगा। एक बार डिसेबल होने के बाद इस वाईफाई आईडी से पहले जुड़े सभी डिवाइसेस अब इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे और न ही आप इस वाईफाई नेटवर्क को किसी भी डिवाइस या डिवाइसेस से खोज सकते हैं। इसके आगे वाईफाई का नाम एडिट करने के लिए पेंसिल आइकन पर टैप करें। अब नाम दर्ज करें और सबमिट पर टैप करें। कृपया ध्यान दें, एक बार जब आप वाईफाई का नाम और पासवर्ड बदल देते हैं तो इस वाईफाई नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइसेस इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और नए वाईफाई नाम और पासवर्ड के साथ आपके जियो वाईफाई राउटर से फिर से जुड़ना होगा।
अब देखते हैं कि आप अपने वाईफाई का पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले चेंज पासवर्ड के पास बने पेंसिल आइकन पर टैप करें। इसके बाद नया पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट पर टैप करें। वाईफाई विजिबिलिटी को डिसेबल करने के लिए राउटर वायरलेस नेटवर्क का नाम दर्शाने से रोकता है, जिससे यह अनपेयर्ड डिवाइसेस के लिए इनविजिबल हो जाता है। हालांकि नेटवर्क अभी भी मौजूद रहेगा और सभी मौजूदा पेयर डिवाइसेस अभी भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अपने वाईफाई नेटवर्क को हाइड करने के लिए या छुपाने के लिए टॉगल बटन पर टैप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो WPS यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप का उपयोग लंबे पासवर्ड दर्ज किए बिना मौजूदा नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि एंड डिवाइस WPS सेटअप का उपयोग करके कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हो। जरूरत न होने पर WPS को बंद रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने के लिए इस कार्य क्षमता को स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए टॉगल बटन पर टैप करें। आप एसोसिएटेड डिवाइसेस लिमिट के अलावा केवल पेंसिल आइकन पर टैप करके किसी विशेष वाईफाई नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस की संख्या भी तय कर सकते हैं। आगे डिवाइसेस की सीमा बढ़ाने या घटाने के लिए प्लस आइकन या माइनस आइकन पर टैप करें। इसके बाद सबमिट पर टैप करें। ऑटो डायग्नोस और सेल्फ ट्रबल शूट। नीचे दिए हुए विभाग में आप जो आइकन देख पा रहे हैं, वे आपको अपनी जियो फाइबर सेवाओं के साथ किसी भी कनेक्टिविटी समस्या का डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रबल शूट करने के लिए डिवाइस और उपयोगिता प्रदान करेंगे। आइए एक एक करके उन सभी को देखते हैं। सबसे पहले ट्रबल शूट पर टैप करें। समस्या निवारण एक वॉइस बॉट है जो आपको अपने जियो फाइबर कनेक्टिविटी के साथ समस्या का निदान करने और उसका समाधान करने में मदद करेगा। इसके बाद रन क्विक डायग्नोस्टिक्स पर टैप करें। रन डायग्नोस्टिक्स के साथ आप अपने जियो फाइबर वाईफाई राउटर का ट्रबल शूट कर सकते हैं और कनेक्टिविटी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अंत में आप खुद भी हाउ टू वीडियो देखकर भी समाधान कर सकते हैं। जियो फाइबर सेवाओं को मैनेज कैसे करें ये जानने के लिए वीडियो देखें।